हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पीवीसी प्लांट का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, ये जो है लास्ट पार्ट है हमारे, जितने भी आपने पार्ट देखे होंगे। पार्ट वन में जैसे कि मैंने बताया था रॉ मटेरियल के बारे में कि पीवीसी बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल हैं और कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है। पार्ट टू में आपने सीखा था कि विनाइल क्लोराइड कैसे सिंथेसिस होती है, उसमें रिएक्शन वगैरह बताया था। इस पार्ट में मैं अनरिएक्ट एस पार्ट थ्री में हमने बताया था कि अनरिएक्ट एसिल कैसे रिमूव होते हैं। पार्ट फोर में हमने बताया था अनरिएक्ट एसिटिलीन या इनर्ट्स या एल्डिहाइड की टोन या टोलुइन कैसे सेपरेट करते हैं। पार्ट फाइव में मैंने बताया था कि एसिटिलीन कैसे रिकवर किया जा रहा है। पार्ट सिक्स में मैंने बताया था कि पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड कैसे होती है। ये है उसके बाद का हमारी विनाइल क्लोराइड का, तो पॉलीमराइजेशन हो गया, वो रेजिन पॉलीमर रेजिन बन गई। अब पॉलीमर रेजिन में क्या है दोस्तों कि दो इम्प्योरिटियाँ हैं, एक तो हमारे जो है पॉलीमर रेजिन में पानी है और दूसरा पॉलीमर रेजिन में हमारे अनरिएक्ट वीसी है, अभी रेसिड्यू वीसी जिसे कहते हैं, रेसिड्यू पीवीसी है। रेसिड्यू का मतलब कि जो बची खुची जो है वीसी है, विनाइल क्लोराइड जो वेपर के फॉर्म में है, जो रिएक्ट नहीं हो पाई है, वो इसमें रिमूव होगी। दोस्तों, इसमें हम जो है ड्राइंग ऑफ पीवीसी में हम क्या रिमूव करेंगे, एक तो हम H2O रिमूव करेंगे पानी, दूसरा अनरिएक्ट वीसी रिमूव करेंगे, पानी और वीसी को अलग कर देंगे तो हमें प्योर पीवीसी रेजिन मिल जाएगी। तो इस ड्राइंग जो है ड्राइंग ऑफ पीवीसी में हम यही सीखने वाले हैं। इसमें हम फ्लैश ड्रायर के बारे में जानेंगे, फ्लूड बेड ड्रायर के बारे में जानेंगे, और जो अपना साइक्लोन सेपरेटर हुआ, सेंट्रीफ्यूग, बहुत कुछ इसमें हम सीखेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अगर याद होगा कि जब हमने पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड बताया था पार्ट सिक्स, तो उसमें मैंने जो है जो पीवीसी रेजिन को डीएमटी टैंक में रख दिया था, डीएमटी टैंक यानी कि डी मोनोमर टैंक, कि इसमें कोई भी मोनोमर पार्टिकल यानी कि विनाइल क्लोराइड के पार्टिकल बहुत कम होंगे, डी मोनोमर टैंक में रख दिया था। अब उसके आगे क्या होता है वो इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, डीएमटी टैंक से हमारा पंप जो है एक स्पाइरल हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो है ये हमारी ब्लैक की लाइन है, ये स्पाइरल हीट एक्सचेंजर के थ्रू डीएमटी टैंक का हमारा टेम्परेचर जो है 45 डिग्री है, लेकिन वो स्पाइरल हीट एक्सचेंजर से जैसे ही गुजरेगा तो उसका टेम्परेचर जो होगा 107 डिग्री 107 टेम्परेचर हो जाएगा 107 डिग्री का। अब 107 डिग्री की जो है हमारे पास रेजिन है, और रेजिन में दोस्तों क्या क्या है, अभी हमारा रेजिन में हमारा लगभग 30% पानी है और 70% रेजिन है, तो ये जो है और अनरिएक्ट वीसी भी है। तो इससे हम क्या करेंगे, एक आरवीसीएम टावर, एक हमारे पास डिस्टिलेशन टावर है, उसमें इसे फिट कर देंगे। डिस्टिलेशन टावर में ट्रे कौन से है दोस्तों, इसमें सीव ट्रे है। इसमें हम क्या करेंगे कि नीचे से स्टीम देंगे और ऊपर से जो है रेजिन जिसमें हमारा अप्रोक्स लिक्विड रेजिन है, तो जिसमें हमारा सपोज करो कि 70% हमारी रेजिन हुई और 30% हमारा पानी हुआ, सपोज करो ये है, तो रेजिन का इस सॉल्यूशन को ऊपर से हम गिराएंगे। क्यों गिराएंगे दोस्तों, इसमें जो अनरिएक्ट वीसी रह गई है, आपको मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि जो अनरिएक्ट वीसी है वो अभी तक चल रही है, उसे ही हमें रिमूव करना है, क्योंकि कुछ वीसी जो है रिमूव नहीं हो पाई, वो साथ साथ रेजिन के साथ चल रही है। तो उस अनरिएक्ट वीसी को रिमूव करने के लिए हमने डिस्टिलेशन टावर का यूज किया और इसमें सीव ट्रे लगी है, नीचे से हम स्टीम देंगे और ऊपर से रेजिन गिराएंगे, तो ऊपर से जो रेजिन है नीचे गिरते 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 आएगी, और नीचे से हम स्टीम देंगे तो सीव ट्रे पे जो हमारे जो सीव ट्रे लगी है, तो सीव ट्रे का काम है रेजिन और स्टीम को एक कॉन्टेक्ट में लाना। तो स्टीम क्या करेगी, अपने साथ वीसी को लेकर ऊपर उठ जाएगी, यानी कि एक तरह से कैरियर का काम करेगी, वो स्टीम जो है अनरिएक्ट वीसी को ऊपर उठाएगी, विनाइल क्लोराइड वेपर को ऊपर उठाएगी, वीसी का मतलब विनाइल क्लोराइड,
स्टीम को लेके वो तुरंत विनाइल क्लोराइड ऊपर उठेगी और फिर यहाँ पे कंडेंसर में ले जाके हम स्टीम को तो कंडेंस कर लेंगे लेकिन वीसी जो है विनाइल क्लोराइड है वो भेज देंगे बाहर, या तो एटमॉस्फेयर में छोड़ दो या कहीं भी गैस होल्डर में छोड़ दो। गैस होल्डर मैंने आपको बताया था उसमें, तो यहाँ पे 100% विनाइल क्लोराइड का सेपरेशन हो जाता है, जो अनजेक्ट वीसी है 100% रिमूव हो गई। बाकी जो वीसी अब तो एक चीज़ हमारी खत्म हो गई, अनजेक्ट वीसी ये तो कंप्लीट हो गई, यहीं तक थी, यहाँ तक रिमूव हो गए। हमने जैसे फिट किया, फिट में नीचे से स्टीम दी, स्टीम ने उसे अनजेक्ट वीसी को लेके ऊपर उठी और यहाँ पे कूलिंग वाटर इसमें कंडेंसर में चला दी, जहाँ पे हमारा पानी तो जो स्टीम था वो तो पानी बन गया लेकिन जो जो अपनी अनजेक्ट वीसी है वो पानी नहीं, वो लिक्विफाई नहीं हुई, तो उसे हम रिमूव कर दिए, या तो एटमोसफेयर में छोड़ दें या गैस होल्डर में डाल दें। अब जो हमारा जब अब हमारा वीसी बची, सॉरी अब रेजिन, ओनली रेजिन जो बची वो धीरे धीरे ट्रे के साथ नीचे आएगी, और उसे हमने ये दिखाया था इस पंप से, इस पंप के थ्रू जो है पहले उसका जो है रेजिन का टेम्परेचर 110 डिग्री 105 डिग्री होगा, और उससे हम क्या करेंगे इसी स्पायरल हीट एक्सचेंजर में ले जाएंगे। आपको पता होगा कि इसी स्पायरल में ले जाएंगे, तो स्पायरल हीट एक्सचेंजर में जैसे ये हमारा 105 डिग्री का इन होगा लेकिन जब आउट होगा तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। इसी का उल्टा, ये ठंडा था तो गर्म हो गया, ये गर्म है तो ठंडा हो गया, यानी कि स्पायरल हीट एक्सचेंजर में एक दूसरे को प्री हीट कर दे, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो गई, ठंडे को गर्म होकर दे और गर्म को ठंडा कर दे। तो अब जो 105 वाली जो रीजन थी स्पायरल हीट एक्सचेंजर के बाद 45 डिग्री की हो गई, और उसे अब हमने वेट टैंक में डाल दिया। वेट टैंक का कंपोजिशन क्या है दोस्तों, वेट टैंक में 25% स्लरी है और 75% पानी है। ये 75% पानी कहाँ से आया दोस्तों, दोस्तों क्या हम करते हैं कि जो यहाँ पे कंडेंस हमने यहाँ पे स्टीम और विनाइल क्लोराइड ऊपर उठे थे, तो स्टीम तो कंडेंस होके ये हॉट वाटर टैंक में आ गई यहाँ पे, और फिर इसे पंप ने फीड किया, और पंप यहाँ पे हमारी 8 ट्रे हैं, तो 8 ट्रे पे जो है यही पानी जो हॉट वाटर पानी है, यही पानी जो है हर ट्रे पे 220 सेकेंड में एक ट्रे पे खुलता है। जैसे 8 कंट्रोल वाल है, कंट्रोल वाल जो है 220 सेकेंड पे, ये जैसे ट्रे वन है, ट्रे वन का कंट्रोल वाल 220 सेकेंड पे 8 सेकेंड के लिए खुलेगा, और उस सीव ट्रे पे जितनी भी रेजिन चिपकी विपकी रहेंगी उसे फ्लश आउट कर देगा। फिर इसके बाद फिर 220 सेकेंड पे 220 सेकेंड बाद फिर वही काम होगा, फिर 8 सेकंड के लिए खुलेगा। इस तरह ये 8 कंट्रोल वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप खुलते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, और वो पानी के अमाउंट यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम वेट टैंक पे आते हैं, यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया आपको, ये गई हीट ट्रांसफर हो गया, अब वो 105 वाली 45 बन गई, अब ये आ गई वेट टैंक में। वेट टैंक में हमारी स्लरी कितनी है, जो है स्लरी रेजिन की 25% है और 75% पानी है, तो उसे हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज, यहाँ पे पंप से सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, सेंट्रीफ्यूज जिसे डिकेंडर भी कहते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज सेपरेटर से हम क्या करेंगे पानी को अलग कर देंगे, और स्लरी जो है अब स्लरी न रह के रेजिन हो जाएगी। तो अब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज क्या करेगा, पानी को अलग कर देगा और रेजिन को अलग कर देगा। तो जब अपना जो है सेंट्रीफ्यूज से जो हमारा रेजिन निकलेगा उसमें क्या होगा कि 97% रेजिन अब रहेगी और 3% पानी रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे एक तरह से पहले यहाँ पे 75% पानी था तो अब ओनली 3% पानी बचा यहाँ पे दोस्तों। सेंट्रीफ्यूज के बाद हमारा जो है पानी की मात्रा बस ओनली 3% हो गया, और रेजिन हमारी 97% रेजिन हो गई, 3% पानी हो गई। अब इस 3% पानी को हमें रिमूव करना है, तो इस रेजिन को जो सेंट्रीफ्यूज ने डिस्चार्ज किया उसे स्क्रू कन्वेयर के थ्रू हम ले आके फ्लैश ड्रायर में डालें। फ्लैश ड्रायर कैसे वर्क करता है दोस्तों, चलिए समझते हैं। आप देख रहे हो कि फ्लैश ड्रायर का जो है स्ट्रक्चर है एक वेंचुरी की तरह है, वेंचुरी के बारे में आपने जाना होगा कि ये जो है कन्वर्जन सेक्शन है, ये थ्रोट है और ये डाइवर्जन सेक्शन है।
तो कन्वर्जन सेक्शन और थ्रोट और डाइवर्जन सेक्शन के बारे में आप तो पढ़े ही होंगे। थ्रोट क्या काम करता है दोस्तों, थ्रोट पे क्या होता है कि थ्रोट पे एरिया हमारी कम होती है, इसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे थ्रोट पे हमारी एरिया क्या है दोस्तों, कम है, वेलोसिटी तब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब ये हमारा स्क्रू कन्वेयर ले आके इसे जो है कन्वर्जन सेक्शन पे रेजिन को यहाँ पे गिराएगा, यहाँ पे ये रेजिन को यहाँ पे गिरा दिया। अब हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम हॉट एयर देंगे। हॉट एयर कैसे बन रही है दोस्तों, आप जानते हो एटमॉस्फेयर में एयर होती है, ये हमारा फिल्टर है, एयर फिल्टर, एयर को सक करेगा, फिल्टर करेगा, फिर ब्लोअर को दे देगा, ब्लोअर एयर को सक करेगा, प्योर एयर को, और उसे एरोफिन हीटर में, एरोफिन हीटर से पास करेगा। दोस्तों एरोफिन हीटर क्या बला है वो चले समझते हैं। एरोफिन हीटर कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर का, इसको कहाँ बना, यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों, ये जो है, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, इसमें क्या है कि ये लंबी लंबी ट्यूब रहेगी, ये ट्यूब है सब, ट्यूबों में हमारी स्टीम चलेगी और यहाँ से हम एयर पास कराएंगे, यहाँ से इधर वर्टिकल हमारी तो ट्यूबें रहेंगी जिसमें स्टीम रहेगी, हॉरिजॉन्टल हम एयर देंगे, तो एयर इन ट्यूबों के कांटेक्ट में आएगी, इन ट्यूबों के कांटेक्ट में आएगी, इन ट्यूबों के कांटेक्ट में आएगी और गर्म हो जाएगी। एयर जो है, जो एटमॉस्फेयर एयर यहाँ से इन होगी 30 डिग्री पे, लेकिन यहाँ पे आउट होगी 105 डिग्री पे, 106 डिग्री पे, क्योंकि ये जो है वर्टिकल हमारे क्या है दोस्तों, ट्यूब है, ट्यूबों में हम स्टीम पास करा रहे हैं तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो है यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर होगा एयर का वो होगा 107 डिग्री और प्रेशर होगा 4 kg, 4 kg का प्रेशर होगा। तो हम फ्लैश ड्रायर में क्या करेंगे, यहाँ से हॉट एयर देंगे, एयर क्या करेगी अपने साथ इस रेजिन को लेके ऊपर उठेगी, उसके में प्रेशर होगा और ये हमारे पे थ्रोट पे क्या होगा, हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और क्योंकि एरिया यहाँ पे कम है तो ये तुरंत तो ऊपर उठेंगे। कौन कौन दोस्तों, हॉट एयर और रेजिन, रेजिन और रेजिन को लेके हॉट एयर ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के कहाँ जाएगी दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर में क्या होगा कि जो हॉट एयर गई रेजिन को लेके, तो रेजिन तो हैवी है, आप जानते हो सेंट्रीफ्यूज सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर, सॉरी मैं सेंट्रीफ्यूज कर रहा हूँ, साइक्लोन सेपरेटर चूंकि इसका नाम है। साइक्लोन सेपरेटर का क्या काम है दोस्तों कि यहाँ पे जो है एक साइक्लोन टाइप का बना देगा, जिससे क्या होगा कि जो हल्के पार्टिकल हैं जैसे एयर है वो हल्की है, वो ऊपर उठ के ऊपर से निकल जाएगी और जो रेजिन है पीवीसी रेजिन है वो भारी है, तो वो गिरती 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 नीचे आ जाएगी। इस तरह से हमारे हॉट एयर और रेजिन दोनों जो यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर में गए और साइक्लोन सेपरेटर में हॉट एयर जो यहाँ पे हमने दिए वो तो यहाँ से आउट कर लिए, लेकिन जो रेजिन है उसे हम ले आए फ्लूड बेड ड्रायर पे। दोस्तों फ्लूड बेड ड्रायर क्या होता है इसको समझने के लिए आपको मैं बता दूँ कि जैसे ये कोई लकड़ी है, सपोज करो ये लकड़ी है, लकड़ी को आप ड्राई करना चाहते हो, ये लकड़ी है इसे आप ड्राई करना चाहते हो, तो इस पर हॉट एयर दोगे तो ये यहाँ इसके ये पार्ट तो गर्म हो जाएंगे, यानी कि मॉइस्चर फ्री हो जाएंगे, लेकिन ये जो सरफेस पे टच हुई है यानी कि जो इस पे टच है वो तो उसमें तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, वो तो पूरी ड्राई नहीं होगी, है ना दोस्तों, समझ में आया कि ये हमारी सपोज कर कोई लकड़ी है, लकड़ी को गर्म करना है तो हम इस पर हॉट एयर दे रहे हैं, तो ये इधर की तो साइडों की तो सारी गर्म हो जाएगी, ऊपर की भी हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे टच है ये, जहाँ पे सरफेस पे ये चिपकी हुई है वो पार्ट तो इसका मॉइस्चर फ्री नहीं होगा क्योंकि पूरा पूरा वो गर्म नहीं होगा। लेकिन इसी लकड़ी को सपोज करिए, इसी लकड़ी को हम हवा में उछाल दें और इस पर हॉट एयर दें तो ये पूरी की पूरी ऊपर नीचे आगे पीछे सब ड्राई हो जाएगी, एकदम अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो रेजिन जो है यहाँ पे जब फ्लैश ड्रायर से निकली तो 0.1 और 0.1 से 0.3 तक, 0.1 से 0.3 तक अभी भी उसमें मॉइस्चर है। यहाँ पे तो इन हुई थी कितने पे, 3% मॉइस्चर पे, लेकिन जब फ्लैश से निकले तो वो 0.3% मॉइस्चर अभी भी है,
तो 0.3% मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम फ्लूड वेट ड्रायर पर ले जाएंगे। फ्लूड वेट ड्रायर का काम क्या है दोस्तों, इसमें भी हम हॉट एयर देंगे, वो हॉट एयर यहीं से आएगी। देखो यहाँ से हमारी एक टाइपिंग यहाँ चली गई और यहीं से निकल के ये यहाँ इसमें आ गई। तो हॉट एयर क्या करेगी, इस रेजिन के पार्टिकल को और उछालेगी, खूब उछालेगी और अच्छे से ड्राई कर देगी। और जब ड्राई करेगी तो सेम यही इसकी यही फिनोमेना, एयर के साथ हमारा हॉट एयर के साथ रेजिन जाएगा कहाँ पे, साइक्लोन सेपरेटर में, और साइक्लोन सेपरेटर में फिर वो घूमेगा पूरा भयंकर, और जिससे हमारे हॉट एयर जो है वो साइक्लोन सेपरेटर से बाहर आ जाएगी और हमारे पास जो रेजिंग होगी वो नीचे आ जाएगी। कहाँ पे आएगी दोस्तों, वाइब्रेटर स्क्रीन पे। ये वाइब्रेटर स्क्रीन है, वाइब्रेट करती रहेगी जैसे रेजिन गिरेगी। वो 38, इसमें 38 मेस की जाली लगी होती है। 38 मेस का मतलब क्या होगा दोस्तों, मेस का मतलब होगा नंबर्स ऑफ ओपनिंग पर लीनियर इंच, यानी कि एक इंच में इसमें 38 ओपनिंग होंगी, 38 होल होंगे, 38 छेद होंगे, कुछ भी कह लो। तो वो क्या, वाइब्रेटर स्क्रीन पर गिरेगी और रेजिन पास कर जाएगी, और जैसे वो नीचे गिरेगी एक ब्लोअर हमारा यहाँ पे। दोस्तों देखो, अगर आपको पंप को, अगर आपको लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो वहाँ पे आप पंप यूज कर लोगे, लेकिन यहाँ पे रेजिन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो वहाँ पे पंप यूज तो कर नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या यूज करोगे, ब्लोअर। ब्लोअर से, ब्लोअर पंखा जिसे आप कहते हो, एक तरह से पंखा बहुत तेजी से वहाँ पे चला दो, पूरी पूरी एयर वहाँ दे दो, तो वो क्या करेगा, रेजिन को अपने साथ लेके इस साइक्लोन में आ जाएगा, साइक्लोन सेपरेटर में, और ऊपर से एयर आउट हो जाएगी और साइक्लोन से नीचे हमारी जो है साइलो लगा होता है। साइलो, साइलो एक टाइप का रेजिन स्टोरेज टैंक है, तो वहाँ पे पीवीसी रेजिन स्टोर हो जाएगी और पैकिंग के लिए चली जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और छोटे से उसमें बता दे रहा हूँ कि पॉलीमर से हमारी जो रेजिन आई डीएमटी टैंक में आई, फिर उसे प्रीहीटर्स के थ्रू गुजारे इस बार इलेक्ट्रिक चेंजर से, और जो है उसमें अब अनरिएक्ट विनाइल क्लोराइड थी, तो वो विनाइल क्लोराइड ऊपर से चली गई, निकल गई, बाकी अब रेजिन और जो है पानी जो है वो आए, पंप उसे सक किया, फिर स्पाइरल में ले गया, वहाँ पे फिर इसका जो गर्म गर्म था वो अब ठंडा हो गया, उसे वेट टैंक में रख लिए। वेट टैंक में हमारी जो है कंसंट्रेशन 25% स्लरी थी, 75% पानी है, तो उसे सेंट्रीफ्यूज में ले गए, जहाँ पे हमारा 97% रेजिन मिल गई, 3% पानी मिला। उसे फ्रेश ड्रायर में ले गए, वहाँ पे ड्राई किया तो 0.1 से 0.3% मॉइस्चर था, और उसे हमें रिमूव करना है, तो फिर उसे हम उसे हटाने के लिए फ्रूट बेड ड्रायर में ले गए। फ्रूट बेड ड्रायर में 100% ड्राई रेजिन मिल गई हमें, उसे हम फिर ले जाके वाइब्रेटर स्क्रीन के थ्रू ये साइडों में स्टोर कर दी। तो ये हमारे एक मोटी मोटी एरोफिन हीटर इसमें है। एरोफिन हीटर जो है एयर को गर्म करने का काम कर रहा है, उसमें वर्टिकल हमारे स्टीम वर्टिकल होलो ट्यूब है जिसमें हम स्टीम चलाते हैं और हॉरिजेंटली हम एयर देते हैं तो हीट ट्रांसफर होकर गर्म हो जाती है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। और यहाँ से हम पीवीसी रेजिन को भर लेते हैं। अगर आपको पीवीसी प्लांट से कुछ और सीखना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे जितना ज़रूरी लगा उतना वीडियो बना दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर प्लांट के प्रोसेस को समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।